हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाएंगे जयपुर जेठ जी के चाक भात में। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, मैं चलती हूँ अभी बाहर, देखते हैं क्या क्या तैयारी करते हैं तब तक, क्योंकि शाम को जाएंगे 6 बजे। वैसे हम किस में चलेंगे? पाँच बजे तो पिया जी ने हमारे लिए ऑटो कर दिए, तो हम जाएंगे ऑटो में। तो तब तक कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं, तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो हम 4 बजे से शादी में जाएंगे दोस्तों, और ये फाइनल शादी है शायद, उसके बाद में तो नहीं है, ऐसे भागा दौड़ी नहीं होगी इतनी ज़्यादा। और आर्यन अभी तक भी नहीं आया, उसकी भी हाथ बालों की आई। ओ आर्यन का लुक देखिए दोस्तों, ओहो बड़े 2 महीने से किटिंग हुई है दोस्तों इसकी। ऐसे कैसे कर रहा है, खुजली हो गई क्या सिर में? अरे बाबू बाबू नहाएगा? फाइनली मेहंदी भी आ गई है, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी इस शादी में। मेहंदी लगा लेते हैं हम बैठे बैठे, क्योंकि अभी दोपहर ही हो रही है, तब तक तो सूख जाएगी। एक दोस्तों मैंने अंगुलियों से स्टार्ट की है मेहंदी को, क्योंकि थोड़ी यहाँ से पहले जल्दी सूख जाएगी। वीडियो बनाने में दोस्तों ठीक से दोस्तों इधर मेहंदी प्रतियोगिता शुरू हो गई है, एक शादी के निकलने के बाद में टाइम, उसमें टाइम नहीं मिला। पोते की शादी से हो गई फिर दोस्तों, हमारी पोती आती दोस्तों, और अब जेठ की देखो कैसे उल्टा चला है रिवाज, पूरा रिवाज उल्टा हमारे यहाँ। जेठ जी पोतियों की शादी पहले, हमारी क्यों हो गई इतनी जल्दी? हम बुढ़े नहीं है, बहुत है हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा है, 110 है इसकी, मेरी 111 है मेरी। इसकी पोते क्योंकि जेठ के होगी, इसके जेठ की देखो पोतियों की मैं की पोते ने बुढ़े कर दिया है, कल विदा करके आए उनको, विदा ये कर कतरो जी बुला दे तो पोते की देखो भाई हम चल रहे बस में आ गया तो बताओ तू खावा दे रहा है 1500 रुमाल सही रखे ले चल रही उतारे। तो दोस्तों ये मेहंदी लगाई है मैंने, इतनी सी लगाई है, बाकी की रिसेप्शन में लगाऊंगी। कौन से पेड़ वो मेहंदी लग गई रही यार ओढ़ने की। तो ये मेहंदी लगाई है दोस्तों मैंने, और मेहंदी लगा के मैं आ गई हूँ बाहर धूप में। अब तो चलेंगे, अब हम शाम को मींस की पूरा काम से फ्री हो गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और बस मेहंदी सूख जाए उसके बाद में रेडी होएंगे। फिर इतने 4 बज जाएंगे, क्योंकि 3 तो बज गए हैं, फिर 4 बजे से रेडी होएंगे। खरपो को ना हमने फावड़ी जो मैं खुद ही कर देती इतने दिन, हम तो अगर खरपोए तो और इधर पिया जी पेड़ों में थावले करने के लिए बोल रहे, क्योंकि गर्मियां पड़ने लग गई है ना, तो ये क्या है फिर सूखे सूखे से हो जाएंगे, जब एक बार पानी डाल देंगे ना तो फिर हरे रहेंगे। देखो बिल्कुल आके अच्छा थावला तो कर कोई को मंग, और इधर अभी तक इनकी लगी नहीं है, दूसरे हाथ में मंड रही है। वाह मेरे भी लगा देना कोमल दूसरे हाथ में, दोस्तों एक हाथ में मैंने बना ली, तो मेरे को क्यों जान रही है इतनी ज़्यादा, मैं इसमें क्या है एक फूल बनवा लेती हूँ से, तो दोनों हाथों में अच्छी लगेगी। और इधर जवारी करने भी जाना है, तो कोमल को जवारी करने भेज रहे हैं, हमने घर नहीं लगा ली मेहंदी, इधर ढाणी में है अगर 200 रुपये दे के आ जाएगी उसकी मम्मी को, होगा शादियाँ बड़ी हो रही है आस पास। तो फाइनली शाम हो गई है, और अब मैं हो जाती हूँ रेडी, पता नहीं पेट में क्या हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, पर कोई ना शादी में तो जाना ही है। दोस्तों मैंने कपड़े पहन लिए, अभी तैयार नहीं हुई हूँ, और दीदी के भी मैंने निकाल दिए, ये कपड़े निकाल दिए चूड़ा वगैरह ये, और अभी भी ये सो रही है। दीदी इसके क्या पेट में पेन हो रहा है दोस्तों,
चलना नहीं है आपको, तैयार हो जाओ ना। तो आप रुक भी नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि सभी जा रहे हैं घर वाले, तो हमारे पता नहीं क्या हो गया, अच्छा अचानक से हो रहा है। मनीष जी भी लेट आएंगे तो इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, प्लीज जल्दी से जाओ जल्दी। चाय बना रही हूँ, चाय चाय बनवा रही हूँ, यहाँ चाय बन रही है। सही नहीं लग रहा आप तो मुझे बिल्कुल भी। ठीक है चाय मंगवाती हूँ ना। तो दोस्तों चाय लेके आ गई हूँ मैं, लो। तो मैं चाय पी लेती हूँ दोस्तों, फिर रेडी होने की कोशिश किया तो रेडी हो ही जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर काम का लेट हो जाएंगे तो फिर लेट वहाँ जा नहीं सकते, जाके भी पूजेंगे फिर बत्ती आएंगे एक 7 बजे से, और फिर हमारे जेठ जी का इधर तो इतने लेट क्या करेंगे फिर। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, मैं रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं तो आधी अधूरी हो गई हूँ वैसे, अब मेकअप मेकअप करना है मुझे ज़्यादा पोते नहीं। दोस्तों फाइनली देखो मैं रेडी हो गई हूँ, अब नहीं लग रहा होगा भाई इसके पेट में भी दर्द हो रहा है, पर रियल में हो रहा है, पर क्या करें जो काम होने का है वो तो होता ही। तो कुछ इस तरीके से मैंने सिंपल ड्रेस पहनी है दोस्तों, सिंपल ओढ़नी है एंड लहंगा भी है नेट में जिस पे अस्तर लगा के सिला रखा है मैंने। तो ये है मेरी ड्रेस और ये है मेरा लुक। तो अब चलते हैं सीधे मिलेंगे शादी में, क्योंकि हमारी जो ऑटो है ना वो आने वाली है। तो दोस्तों अभी रेडी हो गए हैं और आर्यन को कपड़े के तो दोस्तों इधर देखिए दीपू ने पहनी ये वाली ड्रेस, ये बेल बेट का है। मैंने बताना दोस्तों कैसी लग रही है, काफ़ी मस्त लग रही है। तो सब रेडी हो गए हैं, बस अब निकलने वाले हैं। आर्या का लुक, ये है दीदी का लुक, सिंपल। तो घर से बाहर निकल गए, घर पे कोई नहीं है, और ये है ऑटो, इसी में जाएंगे, इसी में आएंगे। हम हो चुके हैं, निकल गए गांव से, रात में आएंगे, मिलते हैं फिर शाम को रात। तो दोस्तों इधर चाक पूजने जा ही रहे हैं, हम अभी अभी पहुंचे हैं, और देखो इधर ढोल की आवाज आ रही होगी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं और देख सकते हो ढोल की आवाज आ रही है, तो अब हम यहीं से मिल जाएंगे चाक वाक के लिए, और जो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा चाटपात का प्रोग्राम, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। तो ये था मेरा वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।